वेलकम टू माय चैनल देसी मॉम ब्लॉग। ये देखिए मैं नादव कर रही है पूजा और मैंने अपने लड्डू जी की देसी घी से कर दिया मालिश। इनको बाद में नहलाऊंगी मैं कच्चे दूध में क्योंकि आज इनकी छठी है मेरे लड्डू जी की, दोनों की, नन्नू की, बड्डू की, दोनों की मैंने कर दी है मालिश। और देखिए इनको मैं ताजे दूध आने पर कच्चे दूध में स्नान कराऊंगी तब इनका भोग लगाऊंगी। गाइज मुझे क्योंकि शाम को कहीं जाना है इसलिए मैं दोपहर में ही इनकी छठी पूजन कर दूंगी। गाइज देखिए अब मेरा कच्चा दूध आ चुका है ताजी, अब मैं लड्डू जी को 3 डुबकी लगाऊंगी। अब बड़े वाले नहाएंगे। इस दूध के आप खीर भी बना सकते हो या फिर इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज में। गाइस देखिए अब मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए पकौड़े। मैंने लस्सी में बेसन घोल लिया है, उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल, उसके बाद मैं करूंगी छठी पूजन। गाइस देखिए मैंने लड्डू जी को ड्रेस पहना दी है छठी वाले दिन पीले पीली, अब मैं इनका भोग लगाने जा रही हूँ। पहले मैं इनका बनाऊंगी काजल। देखिए चम्मच पे इस तरह घी का दीपक मैंने जला लिया है। ये देखिए अब मैं काजल लगाने जा रही हूँ लड्डू जी की। मैंने दी चम्मच पे बना लिया था काजल, पार लिया था। और ये इनके काला टीका नजर न लगे। ये देखिए अब मैं भोग भी बना चुकी हूँ कढ़ी चावल का। कढ़ी चावल मक्खन, ये आज तो मौज ही मौज है मेरे लड्डू जी की, देख सकते हैं आप। ये मेरी दक्षिणा दोनों की। देखिए